उसमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है, डायबिटिक हो या प्री डायबिटिक हो, थायराइड है या फिर पीसीओडी है, अगर इनमें से कुछ भी है और अगर आपको लगता है उसका रीजन मोटापा है तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए। हेलो एवरीवन, आई एम डाइटिशियन खुशबू धमीजा और आज इस वीडियो के थ्रू मैं आपकी हेल्प करूंगी वेट कम करने में। वेट कम करने के लिए बॉडी से एक्सेस फैट का कम होना जरूरी है, तो आज उसी के लिए मैं आपके साथ शेयर करूंगी एक जबरदस्त होम रेमेडी जो आपकी बॉडी से एक्सेस फैट को मेल्ट करेगी बाय इंक्रीजिंग योर बीएमआर बेसल मेटाबॉलिक रेट, और अगर आप इसे फॉलो करोगे कंज्यूम करोगे तो आपका वेट बाउंस बैक भी नहीं होगा। इसे बनाने के लिए आपको सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है जो कि हर इंडियन किचन में अवेलेबल होते हैं। नंबर 1 इज क्लोव यानी कि लौंग, नंबर 2 इज सिनेमन यानी कि दालचीनी, नंबर 3 इज क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा। अब मैं आपको बताती हूँ आपको इसे कैसे बनाना है और किस तरह से लेना है, बट उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और इसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि हर किसी को बेनिफिट हो। चलिए मेरे किचन में देखते हैं इसे कैसे बनाना है। इसे बनाने के लिए आप तीनों इंग्रेडिएंट्स यानी कि लौंग, सिनेमन और जीरा, इन तीनों को बराबर क्वांटिटी में लोगे। मैंने इन तीनों को यहाँ पर 20 ग्राम जितना लिया है, आप क्वांटिटी कम या ज्यादा कर सकते हो एज पर योर यूसेज। उसके बाद आप इसे ड्राई रोस्ट करोगे जस्ट फॉर 2 मिनट्स, देन आप इसे ग्राइंड करके आपके पास ये पाउडर फॉर्म में बनकर तैयार हो जाएगा। आप इसे एयर के एक कंटेनर में स्टोर कर रख सकते हैं। अब आपको इसे बनाना कैसे है, इसे बनाने के लिए आप एक पैन में एक ग्लास पानी ऐड करोगे, देन आप एक टीस्पून इस मिक्सचर का उसमें ऐड करोगे, उसके बाद आप इसे बॉईल करोगे जब तक ये पानी हाफ नहीं रह जाता, देन आप इसे स्ट्रेन करके छान करके कंज्यूम कर सकते हो। आपको इसे ल्यूकवॉर्म ही कंज्यूम करना है। जब ये बनकर रेडी हो जाएगा आप इसमें 1 टीस्पून हनी भी ऐड कर सकते हो टेस्ट को एनहेंस करने के लिए, और अगर आप डायबिटिक हो तो इंस्टेड ऑफ हनी आप शुगर फ्री या स्टीविया भी यूज कर सकते हो। इसे कंज्यूम करने के सिर्फ 14 दिनों में ही आपको आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट दिखेगा, आपके टमी के अराउंड जो स्टबन फैट है उसमें भी फर्क दिखेगा। आपको इसे कंज्यूम करते हुए ध्यान ये रखना है कि आप अपने रिफाइंड शुगर्स को या फिर प्रोसेस्ड फूड जंक फूड्स को अवॉइड करें सो दैट हमें मैक्सिमम रिजल्ट्स मिल सके। सो जस्ट ट्राई दिस एंड लेट मी नो योर रिव्यूज इन द कमेंट सेक्शन, और अगर आपको कोई भी क्वेरी है या इफ यू वॉन्ट कि मैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाऊं देन ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।